दोस्तों ट्विचल में आप सभी का तहदिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हो थंबनेल को कि यहां पे नंबर डालो और व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाएगा। सिर्फ मोबाइल नंबर से आपका व्हाट्सएप चैट कोई और बंदा पढ़ सकता है। ओटीपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ना तो आपका फोन को टच करने की कोई जरूरत नहीं है और आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाएगा। और क्या पता कि प्रेजेंट में आपका व्हाट्सएप हैक हो सिर्फ मोबाइल नंबर से और आपको पता ना चले, क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर एक ऐसे खतरनाक खुफिया अपडेट आ चुका है और इस अपडेट का गलत इस्तेमाल हैकर कर रहा है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ मोबाइल नंबर से आपका व्हाट्सएप को हैक कर सकता है। तो इससे आप कैसे बच सकते हो, क्योंकि प्राइवेसी को लेकर के मैं काफी सारा मैं वीडियो बनाता हूं। अगर आप भी जानना चाहते हो कि किस तरीके से मोबाइल नंबर से हैक किया जाता है, इससे आप कैसे बच सकते हो, इस वीडियो के अंदर इसी चीज के बारे में बताऊंगा। आज ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं वार्निंग दे रहा हूं, इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कहता हूं वीडियो स्टार्ट में, नाम सितारे और आप देख रहे हो गटोगा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों देख सकते हो अपना मोबाइल फोन, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ मोबाइल नंबर से आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाएगा बिना ओटीपी का, बिना फोन को टच के। सिर्फ मोबाइल नंबर से आपका व्हाट्सएप चैट कोई और बंदा पढ़ सकता, आपको पता तक नहीं चलेगा। तो आप इससे कैसे बच सकते हो और किस तरीके से हैकर मोबाइल नंबर से जो ना व्हाट्सएप को हैक करता है, आप इससे कैसे बच सकते हो, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले दोस्तों यहां पे क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाता हूं और यहां पे व्हाट्सएप को आप सर्च करोगे ना तो आपको पता होगा एक क्यूआर कोड आता है। जैसे कि दोस्तों आप लोग को मालूम होगा क्यूआर कोड के बारे में कि आप क्यूआर कोड को स्कैन करके आप दूसरे मोबाइल के अंदर आप चला सकते हो, जो सभी को पता है। लेकिन इसके अंदर जो चेंजिंग आया ना, यहां पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ, लिंक विद फोन नंबर। यही की बात कर रहा था कि यहां पे नंबर डालो। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे एक नंबर यहां पे डालने को बोला, यानी कि एंटर फोन नंबर। यहां पे नंबर डालो और आपका व्हाट्सएप का काम हो जाएगा। कोई भी हैकर जो ना आपका व्हाट्सएप अकाउंट को हैक कर सकता है सिर्फ मोबाइल नंबर से। इससे कैसे बच सकते हो और इसका गलत इस्तेमाल किन लोगों को करता है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों यहां पे क्या कर लेता हूं, यहां पे मोबाइल नंबर यहां पे डाल दिया। जैसे कि आप ध्यान से देखो, मोबाइल नंबर यहां पे डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं, ठीक है। और जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो। तो कोई भी हैकर क्या होता है कि ये कोड को जो ना आपके व्हाट्सएप के अंदर भेज देगा, और ये कोड आपके व्हाट्सएप के अंदर भेज देगा और ये उन लोगों को टारगेट करता है जो बुजुर्ग लोग है, जिसको नॉलेज नहीं है व्हाट्सएप को चलाने का। यानी कि दोस्तों कुछ लोग यंग लोग होते हैं ना, उनको व्हाट्सएप चलाने का बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, इधर से उधर कोई भी लिंक पे या कोड पे एक्टिविटी नहीं करता है। लेकिन जिसको नॉलेज नहीं होता, जो बुजुर्ग होते हैं उसको ज्यादा नॉलेज नहीं होता व्हाट्सएप का, तो ये कोड आपके व्हाट्सएप के भेज देगा और यहां पे एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं एक नोटिफिकेशन, जैसे नंबर डाला और आपके व्हाट्सएप के अंदर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, नीचे के नीचे करोगे और आपको लगेगा कि यार व्हाट्सएप का ये नोटिफिकेशन क्या है। तो आप चेक करने जाओगे, यहां पे क्लिक करोगे ना तो यहां पे बोलेगा कंफर्म करने के लिए। तो यहां पे कंफर्म पे क्लिक करूंगा और यहां पे देख सकते हैं यहां पे डाल दिया। डालने के बाद दोस्तों यहां पे बोलेगा कोड डालने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हो यहां पे कोड। तो मैंने बोला था ना कोड डालने के लिए, जो कोड हैकर आपको भेजेगा। जैसे कि मैं यहां पे कोड डाल देता हूं, तो यहां पे कोड डाल दिया और यहां पे लास्ट कोड यहां पे एड डाल देता हूं, ठीक है। तो ये कोड मैंने डाल दिया, जैसे डालने के बाद देख सकते हैं मेरा व्हाट्सएप जो ना यहां पे लॉगिन हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो यहां पे लॉगिन हो रहा है और यहां पे मैं क्लिक कर देता हूं, जैसे कि आप देख रहे हो तो यहां पे देख सकते हो यहां पे लॉगिन हो रहा है। देखिए चैट यहां पे लोडिंग हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो पूरा का पूरा चैट यहां पे लोडिंग हो रहा है। यानी कि दोस्तों मेरा व्हाट्सएप अकाउंट इस मोबाइल के अंदर यहां पे लॉगिन हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे चैट अभी नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि नंबर यहां पे लोडिंग होता है। तो फाइनली दोस्तों यहां पे देख सकते हैं यहां पे लॉगिन हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हो सिर्फ मोबाइल नंबर से जो ना इस मोबाइल के अंदर यहां पे लॉगिन हो चुका है। तो यहां पे जितनी भी चैट है, कोई और हैकर आपका चैट को पढ़ सकता है, आपका पूरा का पूरा व्हाट्सएप को कंट्रोल कर सकता है सिर्फ मोबाइल नंबर से। तो इससे आपको बचना क्या है, मैं आपको ध्यान से समझा देता हूं कि आपको जो ना इससे बचने का एक ही तरीका है कि कोई भी नोटिफिकेशन आए उस पर आपको जो ना भूल से भी आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। लिंक डिवाइस करके आएगा ना, लिंक डिवाइस करके, उस लिंक डिवाइस का मतलब यह होता है कि दूसरे मोबाइल के अंदर लिंक करना, आपका व्हाट्सएप जो ना दूसरे मोबाइल के अंदर लिंक हो जाएगा। तो लिंक डिवाइस का कोई भी आपको मैसेज आता ना, उस पे पढ़ करके उस पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। कोई भी कोड आया ना, उस पे कोड पे डालने की कोई जरूरत नहीं है। इससे आप बचना चाहते हो ना, तो किस तरीके से आप बच सकते हो, मान लो कि आपने गलती से जो ना आपने लॉग इन कर दिया, कोई और डिवाइस के अंदर लॉग इन हो चुका, तो इससे बचने का तरीका यह है कि थ्री डॉट पे जाओगे, लिंक डिवाइस जो देख रहे ना, लिंक डिवाइस पे क्लिक करोगे ना तो यहां पर लॉग इन बताएगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर क्रोम ब्राउज़र होगा या कोई और यहां पर एंड्रॉइड का आइकन होगा, तो
इस पे क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लॉन्गट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लॉन्गट कर दोगे ना तो आपका व्हाट्सएप जो ना कोई और डिवाइस के अंदर लॉग इन होगा ना वो लॉन्गट हो जाएगा, आपका व्हाट्सएप अकाउंट को हैक नहीं कर सकता, आपका व्हाट्सएप चैट को पढ़ नहीं सकता। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके गलत इस्तेमाल कर रहा हैकर, सिर्फ मोबाइल नंबर से आपका व्हाट्सएप को हैक कर सकता है। तो इससे आप बच सकते हो दो तरीके से, कोई भी नोटिफिकेशन उस पर क्लिक नहीं करना, बाय चांस आपने क्लिक कर दिया तो यहां से आप लॉन्गट कर सकते हो, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो ना काफी इंटरेस्टिंग, कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे सेट करना। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों वीडियो में, अपने ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड गुड बाय।